गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हम लोग बच्चों कर रहे थे स्टोइकियोमेट्री, जिसमें हमने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत सारी ऐसी हिडन इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, पर हम लोग बड़ी आसानी से उसे पता कर सकते हैं। उसी स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम लोग एक छोटी सी हेडिंग कवर करने जा रहे हैं, जो है तो काफी छोटी पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगी आपके लिए 11th क्लास में भी और आपके 12th क्लास के अंदर भी। हेडिंग है लिमिटिंग रिएजेंट। हेडिंग बनाओ बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, पहले आप उसको समझ लीजिए। देखो, जो आप एक केमिकल रिएक्शन के अंदर बहुत सारे रिएक्टेंट ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 50, कितने रिएक्टेंट आप ले सकते हैं। क्या होता है, आपने दो रिएक्टेंट लिए, मान लो दोनों का एक फिक्स अमाउंट लिया, कि जैसे कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ एक रिएक्शन C+O2 गिव्स CO2। जो हिडन इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके लिए लिख दी कि भाई इस इंफॉर्मेशन हमें ये बताती है कि यहाँ 1 मोल तो कार्बन का है, 1 मोल O2 का है और 1 मोल जो है वो किसका है, CO2 का। इनके मासेस भी मैंने कैलकुलेट कर लिए कि भाई 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन और 44 ग्राम क्या बन रहा है, CO2। अगर बच्चों मैं आपसे बोलूं कि मैं कार्बन का तो 1 मोल ही लूं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, कार्बन का तो मैं 1 मोल लूं और ऑक्सीजन के मैं 2 मोल्स ले लूं। मैंने क्या कहा, कार्बन का तो ले लिया मैंने 1 मोल, एक ही मोल लिया है, और ऑक्सीजन O2 के कितने मोल्स लिए हैं मैंने, उसके लिए है मैंने 2 मोल्स। तो जरा मुझे बताओ CO2 कितना मोल बनेगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं 1 मोल कार्बन लेता हूं, 2 मोल्स O2, 2 मोल्स मैं ऑक्सीजन के लेता हूं, तो कितने मोल्स CO2 के बनेंगे, सोचो और कमेंट करो अपना आंसर। अगर कार्बन का 1 मोल लूं, O2, ऑक्सीजन के 2 मोल लूं, तो CO2 के कितने मोल्स बनेंगे। हर्षित का कमेंट आया है 1 मोल, और किसी का कोई जवाब। और किसी का कोई जवाब बच्चों। सुमित का कहना है द रिएक्शन टू बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। प्रिया का कहना है 2 मोल्स। देखो बच्चों, हर्षित का जो जवाब है वो एकदम सही है। भाई तुमने 1 मोल कार्बन का लिया तो वो 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा। अगर तुम ऑक्सीजन के 2 मोल लेते हो तो कार्बन के भी तुम्हें कितने मोल लेने चाहिए थे, कार्बन के भी तुम्हें 2 मोल्स, 2 ही मोल लेने चाहिए थे, पर तुमने क्वेश्चन में सिर्फ कितने मोल लिए हैं, कार्बन के 1 मोल ही लिया है। तो 1 मोल कार्बन पहले 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और 1 मोल CO2 बना देगा। अब अपने पास में ऑक्सीजन का 1 मोल बचा है, पर कार्बन तो पूरा खत्म हो गया। अब भाई कार्बन जब पूरी तरह से खत्म हो गया है तो ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट कर जाएगा कार्बन के साथ। अब ये 1 मोल ऑक्सीजन जो बच गया है ये बचा ही रहेगा, ये आगे रिएक्ट ही नहीं कर सकता कार्बन के साथ, और आगे और क्या नहीं बना सकता, CO2 नहीं बना सकता। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि अब यहां पर 1 मोल कार्बन और 2 मोल ऑक्सीजन के लेने के बावजूद CO2 कितने मोल बनेंगे, CO2 सिर्फ 1 मोल ही बनेगा। क्यों, क्योंकि सर कार्बन जो हमारे पास था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहां बच्चों प्रोडक्ट जो बना उस पर लिमिट लगा दी। लिमिट किसने लगाई, ऑक्सीजन ने लिमिट लगाई कि कार्बन ने लिमिट लगाई। प्रोडक्ट जो बन रहा था उस पर लिमिट लग गई, किसने लिमिट लगाई,
ऑक्सीजन ने लिमिट लगाई या कार्बन ने लिमिट लगाई? कार्बन हाँ जी बिल्कुल, निशा का सही जवाब है, कार्बन ने लिमिट लगाई है। तो इसका मतलब सर कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है जो कि किसी भी रिएक्शन में पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए। जैसे आपने देखा कि सर कार्बन तो खत्म हो गया था और ऑक्सीजन बच गया था, तो जो खत्म हो जाता है पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है उसको तो आप कह देते हो लिमिटिंग रिएजेंट, और जो एक्सेस में जो ज्यादा बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, तो याद रखना लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। समझ में आया? लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट जो है वो आपका कितना बनेगा। कमेंट करके बताओ तुम्हें समझ में आया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है या नहीं। कमेंट करके बताओ बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया है कि क्वेश्चन ये है कि अगर 18 ग्राम कार्बन और 64 ग्राम ऑक्सीजन इन्हें आपस में रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया जाए तो ये कितना ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो बच्चों यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन में से मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा हमें कि प्रोडक्ट जो है वो कितना बनेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि हिडन इंफॉर्मेशन कह रही थी कि 12 ग्राम कार्बन अगर मैं लेता हूं तो मुझे कितना ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ता है, तब मुझे 32 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ता है। 12 ग्राम कार्बन लिया तो 32 ग्राम आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 64 ग्राम अगर ऑक्सीजन लेते हो तो आपको कितना ग्राम कार्बन का लेना चाहिए था। तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से वैल्यू निकाल दी, वैल्यू क्या आई मेरे पास में 24 ग्राम। भाई कार्बन का मुझे 24 ग्राम लेना चाहिए था अगर 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है तो। पर मैंने कितना लिया है क्वेश्चन में, मुझे सिर्फ कितना दिया गया है, मुझे क्वेश्चन में सिर्फ दिया गया है 18 ग्राम। तो भैया 24 ग्राम लेना चाहिए था पर तुमने उससे कम लिया है, कम लिया है तो बिल्कुल ये जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां लिमिटिंग रिएजेंट कौन बन जाएगा, यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा आपका कार्बन, क्योंकि जितना उसे रिक्वायर्ड अमाउंट में लिया जाना चाहिए था आपने उस रिक्वायर्ड अमाउंट से कार्बन को लिया है कम। तो अब आपको प्रोडक्ट कितना बनेगा ये कौन बताएगा, ऑक्सीजन नहीं बताएगा, वो ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, काम किसका पड़ेगा आपको, कार्बन का, क्योंकि कार्बन यहां पर क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हिडन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब 12 ग्राम कार्बन लेते हैं तो 44 ग्राम क्या बनता है, CO2। 12 ग्राम कार्बन लेने पर 44 ग्राम CO2 बनता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट जो कार्बन है, 18 ग्राम कार्बन लेने पर कितना ग्राम CO2 बनेगा। मैंने एक्स मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके काट पीट करके लास्ट में आंसर कितना आया, 66 ग्राम CO2। तो अगर मैं 18 ग्राम कार्बन और 64 ग्राम ऑक्सीजन को एक मिक्सचर में रिएक्ट करने दूं तो टोटल जो CO2 बनेगा वो कितना बनेगा, 66 ग्राम CO2 बन जाएगा। और ये हमें किसने बताया, कार्बन ने, क्योंकि कार्बन क्या था, लिमिटिंग रिएजेंट। और कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट कैसे था ये हमें कैसे पता चला, हमने भाई ये चेक किया कि अगर 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए तुम्हें कितना ग्राम कार्बन चाहिए था। तो तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दी 24 ग्राम।
मतलब आपको लेना चाहिए था 24 ग्राम, पर आपने तो सिर्फ कितना लिया, 18। तो जितना लेना चाहिए था उससे कम लिया है, इसका मतलब यहाँ पर जल्दी खत्म हो जाएगा कार्बन। तो कार्बन ही आपका क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। फिर आपने लिमिटिंग रिएजेंट पहचानने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से प्रोडक्ट को कैसे निकाला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही थी कि भाई 12 ग्राम कार्बन लेने पर 44 ग्राम CO2 बनता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 ग्राम कार्बन लेने पर कितना ग्राम CO2 बनेगा, और आपके पास आंसर आया 66 ग्राम CO2। अब बच्चों यही क्वेश्चन अगर मोल्स के लिए होता तो तुम लोग सीधा सीधा मोल्स पर चले जाते, गिवन मास तो तुम्हारे पास में है ही, मोलर मास से डिवाइड करके मोल्स लिया जाता। बताओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताइए ये समझ में आपको आया लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चन करना है या नहीं आया। आपको पहले लिमिटिंग रीजन पहचानना पड़ेगा, उसके बाद में आप प्रोडक्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक, कमेंट मेरे पास आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तुम लिमिटिंग रीजन की डेफिनेशन लिखो, लिखिएगा द रिएजेंट विच विच गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, द रिएजेंट विच गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट, फुल स्टॉप। द अदर रिएजेंट, द अदर रिएजेंट विच इज टेकन, विच इज टेकन इन एक्सेस, ई एक्स सीई डबल एस, एक्सेस का मतलब जो लिमिट से ज्यादा लिया जाता है, इन एक्सेस इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है बच्चों, तो फिर आप क्वेश्चन लिख लो और उसका सॉल्यूशन आपके सामने बोर्ड पर है। क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट ऑफ CO2, व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड इफ इफ 18 ग्राम, इफ 18 ग्राम कार्बन, व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड इफ 18 ग्राम कार्बन इज अलाउड टू रिएक्ट 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, क्वेश्चन मार्क। और बच्चों सॉल्यूशन बना लीजिए आप, सॉल्यूशन बनाने के बाद कमेंट कर देना डन।
सर प्लीज, डेफिनेशन किसकी? डेफिनेशन लिमिटिंग की क्या, एक्सेस रीजेंट की? एक्सेस रीजेंट क्या है? द रीजेंट विच इज टेकन इन एक्सेस, द रीजेंट विच इज टेकन इन एक्सेस। मेरे पास में कमेंट आ गए हैं, डन। अगर बच्चों आपको लिमिटिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आपको एक और क्वेश्चन बोर्ड पर नजर आ रहा होगा। 56 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2 आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3 प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन को लिख लो, सॉल्यूशन करना शुरू करो, पर सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन में जब तुम्हें पता लग जाए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, N2 है या H2 है, तो वो पहले तुम कमेंट करके बता देना, बाद में अपना आंसर करते रहना। क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन करना शुरू करो, और जिस पॉइंट पर तुम्हें पता लग जाए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, उस पॉइंट पर आप कमेंट कर देना कि सर N2 लिमिटिंग रिएजेंट है या H2 लिमिटिंग रिएजेंट है। उसके बाद में आप फिर अपने क्वेश्चन को आगे करना। चलो जल्दी करो। सबसे पहले एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बना लेना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो आपकी बनेगी वो आ जाएगी आंसर के अंदर, N2 3H2 गिव्स 2NH3 गिव्स 2NH3। हिडन इंफॉर्मेशन क्या है? इसका 1 मोल, इसके 3 मोल्स और इसके 2 मोल्स, या फिर ग्राम के फॉर्म में अगर तुम इसे लिखना चाहो तो एक नाइट्रोजन के एटम का मास होता है 14, N2 में टोटल 2 हो गए, तो ये तुम्हारे पास में कितना हो गया 28 ग्राम। ये कितना हो गया, एक हाइड्रोजन का होता है 1, H2 में 2 हाइड्रोजन है तो 1H2 का तो आपका हो जाता है 2, और टोटल यहाँ 3H2 है, कितना ग्राम हो गया 6 ग्राम, और ये हो जाएगा आपका 34 ग्राम। अब क्वेश्चन जो है वो किस बारे में है? क्वेश्चन है 56 kg ऑफ N2। 56 kg का मतलब क्या है? 56 × 10³ ग्राम। H2 के लिए वैल्यू क्या है? 10 kg, मतलब 10 × 10 10 × 10³, मतलब ये सीधा सीधा हो गया 10⁴ ग्राम। तो कितना, अगर आपके पास में बच्चों लास्ट में गिवन मास आ जाता है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से आप चाहें तो मोल्स निकाल सकते हैं। तो हर्षित और निशा ने कमेंट कर दिया है बच्चों, और आपका जो जवाब है वो सही जवाब है। यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट आपका आएगा हाइड्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट आपका क्या आएगा? हाइड्रोजन आएगा। तो फिर अब तुम्हें लिमिटिंग एजेंट पता लग गया है तो आसानी से तुम लोग अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दोगे।
क्वेश्चन में आपको लास्ट में अमाउंट ऑफ सीओ टू नहीं, NH3 नहीं पूछा है, आपको मोल्स पूछे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला देख लो, जिस जिसको नहीं आ रहा हो भाई। 28 ग्राम N2 लेने पर 6 ग्राम लेना पड़ता है H2, तो 56 × 10⁻³ ग्राम N2 लेने पर हाइड्रोजन कितना लेना चाहिए था, X। यहां से जो आपकी X की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6 × 56 × 10³ अपॉन अपॉन में कितना जाएगा आपका 28। इसको अगर आप कट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 12 × 10³। जबकि हाइड्रोजन जो है वो आपने कितना लिया है, 10 × 10³। तो लेना तो तुम्हें चाहिए था 12 × 10³, पर तुमने लिया सिर्फ कितना है, लिया है 10 × 10³। तो जितना लेना चाहिए था उससे तुमने कम लिया है, और अगर उससे तुमने कम लिया है तो इसका मतलब यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है आपका, H2 हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब आपके पास में लिमिटिंग रिएजेंट आ गया है तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि भाई अगर तुम लोग क्या लेते हो, 6 ग्राम H2 लेते हो तो NH3 के कितने मोल्स बनते हैं, 2 मोल्स बनते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप 10⁴ ग्राम H2 लोगे तो कितने मोल NH3 आपके सामने बनेंगे, X। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर दें तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁴ अपॉन 6 ये हो जाएगी। इसी वैल्यू को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 20 × 10³ अपॉन 6 ये कर सकता हूं, है ना। यहां से अगर आप इसको काट दें तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 3.33। तो आपके पास में आंसर आया 3.33 × 10³। सॉल्यूशन बना लो। लिमिटिंग रीजन पता कर लिया तुमने, H2 है तो हिडन इंफॉर्मेशन कहती है कि 6 ग्राम H2 लोगे तो 2 मोल्स अमोनिया बनेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10⁴ ग्राम H2 लोगे तो कितना अमोनिया के मोल्स आपके सामने बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, आंसर आ गया 3.33 × 10³ मोल्स। सॉल्यूशन बनाने के बाद कमेंट कर देना डन। तो मेरे पास कमेंट्स आ गए हैं, पर बच्चों आप लोग सारे बच्चे कमेंट्स नहीं करते हैं, मैंने एक चीज देखी है। अभी मेरे सामने टोटल 10 बच्चे जो हैं वो मुझे दिख रहे हैं, पर आप में से कमेंट्स सिर्फ 3 या 4 बच्चे ही कर रहे हैं। तो बाकी लोगों का या तो आंसर नहीं आ रहा है या फिर
बाकी लोगों को जोर आ रहा है लिखने में। तो बच्चों ये था आपका लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट अगर हमें समझ में आ गया है तो हमारे बहुत सारे काम जो है आसान हो जाएंगे, 11th क्लास में भी और 12th क्लास के अंदर भी। चलिए नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला EMPIRICAL, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या चीज है देखो। ये एक मेरे पास में मॉलिक्यूल है जिसका फॉर्मूला मैंने लिखा C6H6। C6H6 लिखने का मतलब ये है कि टोटल इसमें 6 कार्बन के एटम्स हैं और टोटल इसमें 6 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। इसी के बगल में मैंने एक और मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लिखा है C10H10, मतलब उसमें टोटल कार्बन के 10 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 10 एटम्स हैं। ये तो बच्चों है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हमें ये बताता है कि किसी भी कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट के टोटल कितने एटम्स पाए जा रहे हैं। पर बच्चों अगर मैं यहां देखूं 6 और 6 कॉमन क्या आएगा, 6, और अगर मैं 6 से दोनों को डिवाइड कर दूं तो फॉर्मूला क्या आएगा, CH। तो जो सिंपलेस्ट रेशियो आया यहां पर वो क्या आया, CH, या तुम कह सकते हो C1H1। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, इसका भी सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा, C1H1 ही आएगा। तो ये ऐसा फॉर्मूला है जो कि बच्चों आपको सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है सभी एटम्स का। तो इसको तो तुम कहोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला जो तुम्हें सिंपलेस्ट रेशियो बताए, और जो तुम्हें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताए उसको तुम क्या कहोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों सबसे पहले डेफिनेशन लिखो तुम एम्पिरिकल फॉर्मूला की। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो एम्पिरिकल फॉर्मूला, लिखिएगा द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड शोइंग द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, शोइंग द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इन द सिंपलेस्ट रेशियो, इन द सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट रेशियो इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला, इज कॉल्ड एम्पिरिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल बना लो बच्चों, C6H6 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, CH। तो आप में से कोई क्या मुझे कमेंट करके बताएगा कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा,
कमेंट करके बताओ बच्चों, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला अर्षित यादव कहते हैं CH6O, प्रिया का कहना है CH2O, सुमित का कहना है CH6O। भाई ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, इन तीनों में कौन सा नंबर कॉमन है? तुम इनका कॉमन निकालोगे, कॉमन टर्म तो 6 आ रहा है ना, तो सबको अगर 6 से तुम डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आएगा? CH2O। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या आएगा? CH2O। तो जिसका इनकरेक्ट है वो सुधारे। अब तुम डेफिनेशन लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, डेफिनेशन लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इन विच एक्चुअल एंड एग्जैक्ट, इन विच एक्चुअल एंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जाम्पल के तौर पे आप बना सकते हैं बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6, ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन जो आता है, उस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन टेबुलर फॉर्म में किया जाता है, मतलब टेबल बना करके किया जाता है। तो उस टेबल में क्या क्या होता है उसको समझाने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। आप क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखो बच्चों। अ कंपाउंड हैज 93.7% कार्बन, 93.7% कार्बन एंड 6.3% हाइड्रोजन, फुल स्टॉप। If its molar mass is 128 ग्राम पर मोल, then calculate its molecular formula and empirical formula. Then calculate its molecular formula and empirical formula. तो इसमें हम लोगों को बच्चों एक टेबल बनानी पड़ेगी।
टेबल में आप लोगों को क्या क्या लिखना है, सीरियल नंबर, यहां एलिमेंट, यहां उसका जो भी परसेंटेज है, यहां उसका एटॉमिक मास, फिर आपको क्या करना है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। जो भी परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखी है उसको डिवाइड कर देना है एटॉमिक मास से, और जो भी वैल्यू अपने पास आती है हम लोग उस वैल्यू को क्या मान लेते हैं, उसको मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए। नेक्स्ट आपको कॉलम में क्या करना है, जो भी ए की वैल्यू आई है उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए से डिवाइड करना है। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए से डिवाइड करना है, और डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उसको आप कहेंगे सिंपल रेशियो, और उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपल रेशियो, और उसके बाद है बच्चों सिंपलेस्ट रेशियो। तो क्वेश्चन जो हमें दे रखा है उसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो, सबसे पहले सीरियल नंबर वन, एलिमेंट जो हम लोग को दे रखा है वो कौन सा है, कार्बन। परसेंटेज कितनी गिवन है, परसेंटेज है 93.7। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, इसका होता है 12 ग्राम पर मोल। तो हम लोग इसके लिए परसेंटेज बाय एटॉमिक मास को करेंगे तो ये हो जाएगा 93.70/12। ये वैल्यू बच्चों लगभग आ रही है 7.8, क्या रही है 7.8। सेम इसी तरीके से अगर सीरियल नंबर टू, एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, परसेंटेज गिवन है 6.3। हाइड्रोजन के एटम का मास कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल, तो यहां पर आप कर देंगे 6.3/1, आंसर आ जाएगा आपका 6.3। अब आपको क्या करना होगा, ये जो वैल्यू आई जिसको आपने ए कहा है, इन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू है, अब 7.8 और 6.3 में छोटा कौन है, 6.3, आप इन दोनों को 6.3 से डिवाइड कर दो, तो ये 7.8/6.3, ये 6.3/6.3, ये वैल्यू बच्चों आपके पास लगभग आएगी 1.25, और ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1 आएगी। अब देखो बच्चों, आपके पास में सिंपल रेशियो हो सकता है कोई होल नंबर हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, या हो सकता है ये वैल्यू पॉइंट्स डेसिमल के अंदर आ रही हो। हमें इस वैल्यू को अगर डेसिमल में आ रही है तो इसे होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जरा कमेंट करके बताओ 1.25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि होल नंबर में ये कन्वर्ट हो जाए। 1.25 को मैं किस वैल्यू से, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं, सबसे छोटा वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, जिससे मल्टीप्लाई करने पर ये सीधा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। सबसे छोटी वैल्यू बतानी है, ऐसा नहीं कि तुम 100 बोल दो तो ये 1.25 हो जाएगा। ठीक है, वीरेंद्र का कमेंट आया है 4, बहुत बढ़िया वीरेंद्र। तो आपको बच्चों क्या करना है, यहां तो 2 है, ऐसे 3 कॉलम होते, आपको सबको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो क्या बन जाएगा 5, और बच्चों ये क्या बन जाएगा 4। तो यहां से आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल करके आ गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला में कार्बन के तो टोटल 5 एटम है, और हाइड्रोजन के अपने पास में बच्चों टोटल कितने एटम्स हैं, 4 एटम। ये आपके पास में आ गया क्या, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको यहां मोल्स निकालने पड़ेंगे, और यहां बच्चों मोल्स का फॉर्मूला जो आपको लगाना है वो होना चाहिए
मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। मोलर मास जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना 128 अपॉन एम्पेरिकल मास, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आया है उसका मास। भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला में पांच कार्बन है, एक कार्बन का होता है कितना 12, और चार क्या है अपने पास में हाइड्रोजन, तो इस हिसाब से ये कितना हो गया 64। आंसर आपके पास है बच्चों क्या आएगा 2 मोल्स। क्या आएगा 2 मोल्स। अब ये मोल्स का क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो निकलता कैसे है, जो भी मोल्स आए उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो किससे, एम्पेरिकल फॉर्मूला से। मतलब मोल्स आए 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब C5H4। और बच्चों अगर तुम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट में जो एम्पेरिकल फॉर्मूला तुम्हारे पास आएगा, कार्बन के तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे 10, और हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने हो जाएंगे आपके पास में 8। कमेंट करो जल्दी से समझ में आया या नहीं, और आ गया है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना लो, टाइम नहीं है ज्यादा। ठीक है बढ़िया, फटाफट से बना लो, चलो टाइम अपना हो गया है बच्चों, जल्दी से 1 मिनट के अंदर बना लीजिए। सिंपल रेशियो में अगर नॉर्मल होल नंबर में सारे नंबर होल नंबर में है तो वो ही वैल्यू सिंपलेस्ट में हो जाएगी, पर अगर कोई पॉइंट्स के अंदर आ रहा है तो आपको सबको उस सबसे छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे आपका जो डेसिमल में नंबर है वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। इससे जुड़े हुए और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी आप बच्चों फटाफट से इसको बना लो, अपना टाइम हो गया। चलो मेरे पास में कमेंट आ गए हैं, डन, आप लोगों ने इसे बना लिया समय रहते हुए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आपसे हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।